म्यूजिक की आ रही है दोस्तों आवाज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतुल दिया और भाई एक और नई सुबह में और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। भाई कैप इसलिए पहन के जा रहा हूं रनिंग पे क्योंकि कल रात शैम्पू किया था और बाल थोड़े से बड़े हो गए, आंखों में आते हैं। और ये रांचू हमारे साथ। तो दोस्तों मैंने ना कुछ इस तरीके से प्लान डिसाइड किया है, एक दिन रनिंग, एक दिन कोई भी एक्सरसाइजेस, एक दिन रनिंग या फिर साइकिलिंग भी कर सकता हूँ मैं। आज साइकिल भी ओके करा लूँगा, अंशु के पास भी साइकिल है। तो अब चलते हैं भाई रनिंग के लिए सेक्टर 23 में। रनिंग कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप लोगों से मिलता हूँ। So guys, रनिंग हमारी हो गई है और पसीने तो बहुत आ रहे हैं भाई, रोज का काम है। पसीने ना निकले ना तो लगता है मेहनत भी नहीं हुई। तो भाई ये हमारा डे 375 हार्ड चैलेंज का, जिसकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। और तो भाई अंशु भी पसीने में हो रहा है, छोरा भाई पूरी मेहनत मार रहा है। तो अब चलते हैं भाई घर पे, अंशु को स्कूल जाना है, मेरे को कोर्ट जाना है। सो गाइस, ये है भाई हमारी फर्स्ट मील, ब्रेड ऑमलेट विद मल्टीग्रेन ब्रेड। और मेरे माने भाई मम्मी भी प्रॉपर डाइट डूइट फॉलो कर रही है, ड्राई फ्रूट चल रहे भाई मम्मी का सुती है, कुछ फल जा वो ब्रेड के बीच में गाल के खा जाए। हाँ, ड्राई फ्रूट एंड हनी एंड ड्राई फ्रूट। हेलो भाई, देखो फुल स्वैग चले जा मम्मी, आजकल अब वो नहीं कर रहे है। हेलो गाइस, मुंह में क्या कहो? हैं, हेलो गाइस, सभी को राम राम। ठीक है दोस्तों चलते हैं, आशीर्वाद ले लिया मम्मी का। दोस्तों अभी कार मैं वॉशिंग के लिए दे आया था अपने यहीं पास में, तो कार लेके जा रहा हूँ भाई। फिर पहले साकेत के घर जाऊंगा, साकेत का भाई मेरे को फिर वहाँ पे कोर्ट में ड्रॉप कर देगा। लो भाई गाड़ी अपनी करती टकाटक। लो भाई आ गया साकेत का घर, और फाइनली भाई साकेत की कार साकेत के घर पहुंच गई है। लो भाई तो चलो भाई एक बार मिल लेते हैं सबसे और फिर चलते हैं कोर्ट। अभी भाई साकेत के घर में भी काम चल ही रहा है। फिर ये देखो भाई कितना बड़ा गेट है, ये ड्राइंग रूम भाई ना भाई कितनी हवेली सी बनाई है, काफी बड़ा स्पेस है। कुछ चीजों का काम अभी चल ही रहा है ऊपर भी। A few moments later. Five hours later. भाई कोर्ट से तो आ गए थे, आने के बाद घर पे खाना खाना था आज। ठीक है, तो घर पे देखा कि भाई दही नहीं है। दही लेने में गया जहाँ से मैं लेता हूँ अपनी, मतलब डेरी वेरी है जहाँ से, मतलब घर की दही होती है। एक जगह ख़त्म भाई, दूसरी जगह गया दूसरी जगह भी ख़त्म। मेरे को लग रहा है ना दही ख़त्म डे है। और फिर मैं लेके आऊँ भाई अमूल की लस्सी छाछ, वो पीऊँगा अब रोटियों के साथ। दही नहीं मिल रही यार जब चाहिए, घर पे भी नहीं बनाई आज। और गाइस ये है आज का हमारा लंच, ये लस्सी है भाई, छाछ अपनी, दो रोटियाँ, घर की सब्जी। तो कोर्ट से आ गए भाई, खाना खाएंगे अभी घर का। डाइट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बस आप हमेशा अंडे चिकन या फिर पनीर वनीर ये सब खाओगे। आपकी डाइट का मतलब होता है एक कंप्लीट न्यूट्रिशन। अगर आपने यहाँ से इतने काब ले लिए तो आपको पूरे दिन में कहाँ छोड़ने हैं कहाँ खाने हैं,
आप घर के खाने में भी डाइटिंग कर सकते हैं। और भाई मैंने एक बात बेरा है कि भैया लस्सी पीते ऐसा पड़ गया सोऊंगा ऐसा पड़ गया सोऊंगा। दोस्तों मैं ना बस वेट ही कर रहा था कि खाना वाना खाने के बाद कब नींद आए। मैंने सोचा उसी बीच थोड़ा बहुत पढ़ लूँ भाई, ज़रूरी नहीं है ना कि रात को ही पढ़ आ जाए। तो जब तक नींद आती है देखता हूँ कितने पेज पढ़ लेता हूँ। 2 hours later मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ। चलो पीछे चलो भाई, मौसम हो गया है बहुत बढ़िया। दिन में भी बढ़िया था, बारिश हुई है। रॉक्सी यार नहीं मानती भाई, क्या सिखावा भाई तू ना, ये इसकी सुनती है नहीं भाई। रॉक्सी पेडे हल रहे हैं इनका वंशोर के पेडे हल रहे हैं। तो दिन में हुई थी भाई बारिश, पर बारिश ऐसे हुई थी, आज आया था भाई वंशु मेरे को लेने, तो यहाँ बारिश हो रही थी, कोर्ट में नहीं हो रही थी, ऐसे हो रही थी बारिश आज। अब हो गया भाई जाने का टाइम। The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you come. So guys, अब चलते हैं मार्केट में। दो तीन चीजें लेनी है भाई जो कि जरूरी हैं, डॉग्स से रिलेटेड हैं, प्लस में अपनी डाइट वाइट से भी रिलेटेड है, और डाइट भी लेने जा रहा हूँ मैं अभी। तो चलते हैं दोस्तों। Meanwhile. लगा हुआ था जाम जो हमारा मेन फ्लाई ओवर है, तो मैं भाई दूसरे रास्ते से जाऊंगा क्योंकि दोनों तीन तरफ जाम लगा हुआ है, तो ये नहीं लगता बहुत देर खुलने वाला है। दूसरे रास्ते से चलते हैं दोस्तों। 1 hour later सो गाइस ये सब ले गया हूँ मैं, एग है मेरा, डाइट है, और भाई इसके अंदर है बच्चों के लिए ग्रेवी। तो भाई अपना भी खाना खाएंगे, बच्चों को भी फिर खाना देना है, फिर मम्मी पापा से भी भाई आज बातचीत सी करेंगे थोड़ी देर, काफ़ी दिन हो गए, और गीता भी पढ़नी है, कई सारे काम है अभी, रात दूर है, सोना अभी दूर है। मैं कैल्शियम मल्टीविटामिन लिया आपने? दिखाओ, खोलिए डब्बी दिखाइयो। आप भी लो पा ले भाई, नो वीडियो चलानी पड़ा है। पापा तो ही दे दिया आपने, और पापा दिखाइयो आप भाई, एक बार मम्मी का स्टॉक दिखा दूं आपने। ये सारी चीज मम्मी के नाम की है, ठीक है, ये सारी चीज। अरे मम्मी खा के नहीं राजी, फिर मेरी दर्शना मौसी ने कहा बेटे मम्मी का ध्यान रखा कर, मैं तो रखू मौसी। ये भाई आज का अपना डिनर, अब मम्मी पापा से भी भाई बात कर लेंगे, डिनर भी हो जाएगा, दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। लकड़ी की है। A few moments later. So guys, अब आ गया है टाइम व्लॉग को एंड करने का भाई। मैंने बच्चों का खाना वाना, अपना खाना वाना सब कुछ हो गया, और मम्मी पापा के साथ भी भाई काफ़ी देर बातचीत की, और एक अपडेट ये है कि भाई मम्मी को भाई थोड़ा थोड़ा आराम आने लग गया है। दूसरा ये है कि भाई जो हमारा थर्ड डे था बहुत अच्छे से गया, सारी चीज़ें टाइम पे कंप्लीट हो गई, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट हाँ, इतना लंबी कंसिस्टेंसी हो सकता है कि मुश्किल हो, बट जिस दिन आप ये कंसिस्टेंसी कर लेते हो तो भाई वो आपके लिए ही काम करता है, आप एक डिसिप्लिन्ड बंदे बन जाते हो। सो लेट्स सी, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई क्या ही हो जाएगा ये करने से, वैसे कर ले डाइटिंग वाइटिंग, बट ठीक है ना, एक डिज़ाइन की हुई चीज़ है और वो हमारे लिए डिज़ाइन की हुई है,
जिसमें आपको भाई वाटर इनटेक का भी ध्यान रखा गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कल फिर एक और नए व्लॉग के साथ। कल होगा हमारा डे 4 हार्ड चैलेंज 75 का। थैंक यू सो मच, और जब तक के लिए जय श्री राम।